अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि इसको कौन सा कलर किया जाए। देखिए कटर मतलब स्लिप हो गए, रॉकी ने अपनी टांग पे मार दिया। यहाँ बात करेंगे, एक्चुअली तीन शेड अभी हम करने वाले हैं, तो व्हाइट के साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन रह रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा सही लग रहा है। तो कल तक आपने देखा था कि प्राइमर कोट इसको हो गया था और यहाँ पे बम्पर भी इसका खोल लिया है और इसके फॉग लैंप्स की कटिंग चल रही है और फॉग लैंप्स ही हमारी आई हैं और ये भी फिट करनी है, बट उसके लिए बम्पर की कटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा काम यहाँ भी बढ़ गया हुआ है। और यहाँ से गाड़ी का आपको बता दूँ तो जैसे ये पट्टी वगैरह जितनी थी सारी लगी थी, तो अभी इसकी सैंडिंग हो रही है, वेट सैंडिंग हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं ये हो रही है। यहाँ पे जितने मतलब छोटे छोटे स्क्रैचेस वगैरह थे, कहीं पे कुछ कमियाँ थी, तो वो सारी हो गई हैं। तो ये हमारे मुन्ना जी, मुन्ना जी क्या हाल है? ठीक हो? बहुत दिनों के बाद आए हो आज, है ना? सर बीमार हो गया था। तो हमारा ये मुन्ना साहब बीमार हो गया था मेरे ख्याल से 4-5 महीने के बाद, आज आया है और रात ही हमने स्कॉर्पियो पे लगा दिया। बाकी जो मेरे माइंड में चल रहा है वो यही चल रहा है कि गाड़ी को आज रात को पेंट कर दिया जाए। और सही बताऊं, आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ, अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि इसको कौन सा कलर किया जाए और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, ब्लैक करें, येलो करें, नाडो ग्रे करें, रेड करें, ब्लू करें, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या दिमाग चलता है, अभी मुझे भी कुछ नहीं पता, तो अभी जो दिमाग में चल जाएगा। तो मेरी मर्जी है कि आज रात को ये पेंट कर दी जाए, और क्योंकि दो पार्ट में पेंट होएगी, मतलब दो कलर रहने वाले हैं, तो रूफ कुछ अलग रहेगा, बॉडी कुछ अलग रहेगी, इतना मैं बता सकता हूँ कि ये ज़रूर होगा, बट वो दो कलर कौन से होंगे वो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो बोनट हमने कल रेडी किया था, आज अंदर से देख सकते हैं जो कटिंग की थी वो वेल्ड हो गया दोबारा, और एक बार डाउन करेंगे इसको तो बाहर से भी आपको दिखाऊँगा, ये भी रिपेयर हो गया। अब हेडलाइट वगैरह की सेटिंग चल रही है, बम्पर वगैरह लगाएंगे तो ये सेटिंग हो जाएगी, तो ये गाड़ी भी चली जाएगी पेंटिंग में। तो यहाँ पे स्कॉडा के थे जो आज इंश्योरेंस के फोटोग्राफ्स होने थे वो हो चुके हैं, तो इसका भी शाम तक अप्रूवल आ जाएगा, फिर देखते हैं इस गाड़ी का क्या क्या काम करना है। और यहाँ पे वरना की जो डेंटिंग हुई थी तो इसका भी जो पेंटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया हुआ है, और आप देख सकते हैं मतलब बॉडी फिलर लगा के प्राइमर कोट हो गया है और अभी पट्टी वगैरह लग रही है, तो इसका भी साथ साथ में काम खींचेंगे। तो अभी ड्रिल के आगे ये कटर लगाया है, तो कटर के साथ इसकी फ़िलहाल कटिंग करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि क्या करने वाले हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे इसका फॉग लाइट का सुराख तो हो गया है, बट एक सुराख यहाँ पे भी होने लगा था, रुकिए बताना। तो ये देखिए कटर मतलब स्लिप हो गए, रॉकी ने अपनी टांग पे मार दिया, बट बच गया, मतलब जिस ढंग से लगा है ना, शुक्र करो थोड़ी बहुत लगी, ज़्यादा नहीं लगी, नहीं तो टांग काट देनी थी इसने अच्छे खासी। तो अभी जैसे कि हमने एक साइड यहाँ पर होल्ड कर दिया था और अभी दूसरी साइड करना है, तो अभी उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज कैमरा संभालेंगे हमारे रॉकी जी, तो आज रॉकी जी को लगते लगते बच गया, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि यार कितना रिस्की था। आप ये देखिए, जिसने लोहा काटना है, इसके दांत देखिए, मतलब प्रॉपर ये इसके घुटने पे चले हैं और थोड़ी बहुत स्क्रैचेस आए हैं, बट बच गया। पकड़ो कैमरा, पहले मतलब आप देखो जैसे अभी थोड़ा सा कटिंग हुई है, तो काफ़ी मोटी शीट है, तो उसको काटने के लिए टाइम भी लगेगा और जोर भी लगेगा। तो अभी देखिए, अभी ये कट चुका है तो थोड़ा सा इस साइड से रहता है, तो काफ़ी मतलब रिस्की है, वाइब्रेशन काफ़ी हो रही थी, तो फिलहाल अभी इसको ऐसे ही काटेंगे क्योंकि ड्रिल से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ड्रिल अभी फंस रही है, अभी ऐसे ही चोट लगने से बची थी, फिलहाल अभी इसको वैसे ही थोड़ा सा शेनी वनी से काट लेंगे। बस दो बार और एक दो बस। तो अभी यहाँ पे क्या है, कटिंग तो इसकी हो चुकी है, बट मसला यहाँ पे एक है कि कटिंग जैसे इसका मतलब डिजाइन जो यहाँ से इस साइड को है, तो फॉग लैम्प की जो लाइट है वो सीधी नहीं जाएगी, टेढ़ी जाएगी। अब इसको सीधा करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, बम्पर को दोबारा काटना पड़ेगा, यहाँ से बम्पर काटेंगे और इसको अंदर को ले जाएंगे और उसको सीधा करेंगे। वैसे आपको बातों से समझ नहीं आएगा, मैं करके ही बताता हूँ आपको।
तो यहाँ से बम्पर की जो मार्किंग थी वो कर ली थी, और यहाँ से तीन साइड से जो पीस है वो कटिंग कर लिया हुआ है। तो अब यहाँ से इसको वेल्डिंग से गर्म करेंगे, और गर्म करके इसको अंदर करेंगे ताकि जो बिल्कुल सीधा हो जाए। एक्चुअली वेल्डिंग करने का रीज़न ये है कि वो तो जो वहाँ पे मतलब जो लोहा है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, और इसे जब हम अंदर को खींचेंगे तो आराम से बेंड हो जाएगा। तो जैसे ये मतलब पूरा लाल हो जाएगा यहाँ से, फिर इसके बाद इसको बेंड करेंगे। एक्चुअली शीट भी काफ़ी मोटी है ये, और गर्म होते हुए टाइम ले रही है, बट भगवान ना करे ये किसी को कभी लगे, पर ये बम्पर जिसको भी लगा ना तो कह नहीं सकता उसका क्या होगा। तो अभी दोनों साइड यहाँ पे कटिंग हो गई है, तो आप देख सकते हो बम्पर की लुक सब ऐसी आ रही है। तो इसको अंदर से शीट्स वगैरह लगाते हैं, फिर फॉग लैम्प फिट करते हैं, फिर आगे देखते हैं इसका क्या करना है। तो अभी जो मेन कन्फ्यूज़न है वो अभी की अभी यहीं फंसी हुई है, जो कि हमारे शेड को लेके है कि इसमें कलर कौन सा किया जाए। और यहाँ पे आ गए हमारे अभी भाई जी, क्या हाल है सर? और हमारे भाई जी एक भाई नंबर दो अनमोल रतन, ठीक है। और यहाँ बात करेंगे, एक्चुअली तीन शेड अभी हम करने वाले हैं, फिलहाल तीन शेड लाए हैं सैंपल्स के रूप में, मतलब सैंपल्स के तौर पे तीन शेड लाए हैं, और वो एक फेंडर यहाँ से करेंगे, एक फेंडर वहाँ से करेंगे, और फिर तीसरा भी करेंगे। तो फिर देखेंगे जो आपके कमेंट्स ज़्यादा आएंगे तो उसी ढंग से चलेंगे। तो सबसे पहले अभी क्या है कि हम स्लाइडिंग वाले पेंट करेंगे, ठीक है, उसके बाद फेंडर पेंट करेंगे। तो स्लाइडिंग कर सकते हैं, तो जैसे कि क्या है कि हमने ये फेंडर की जो क्लाइडिंग थी ये ब्लैक कर दी है। अब इसके ऊपर कौन सा कलर सूट करेगा, एक तो मतलब आप ये देख लो कि अगर इसी टाइप में अगर वाइट करते हैं तो वाइट के साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन रह रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए कि ये कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, और फिर हम चलते हैं दूसरी साइड, दूसरा फेंडर भी ब्लैक कर लेते हैं, जो कि हमारे अभी भैया कर रहे हैं। ये इसका मूवी काला करना है अभी अभी यहाँ कर रहे हैं। ना, 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 बस 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 इधर है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, तो दूसरा जो शेड है वो भी करने जा रहे हैं, तो ये आप देखिए कैसा लगता है। तो अभी मास्किंग हटाने के बाद जो लुक इसकी आ रही है वो आप देख सकते हैं, ये लुक आ रही है। तो दो शेड हमारे जो है वो अभी हो चुके हैं, तो अभी तीसरा शेड होने जा रहा है, तो इन तीनों में से आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा करें। तीसरा और फाइनल शेड जो हमारा है वो ये आप देख सकते हैं। तो अभी तीसरा शेड जो हमारा है वो ये है, तो आप देख सकते हैं ब्लैक के साथ ये कैसा मैच कर रहा है। अभी ब्लैक ये शाइन वाला होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा सही लग रहा है। एक आप ये देख लीजिए और दूसरी साइड ये है, और तीसरा वाइट देख लिया आपने पहले, तो आप वोट कर लीजिए कि कौन सा करें,
तो जैसा कि वोटिंग जिस साइड ज़्यादा होगी तो वही देखेंगे, बाकी अपने भाई लोग सारे यहाँ पे आए हैं तो सभी की सजेशन लेंगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे इसका जो बेस कोट है आप देख सकते हैं, बेस कोट इसका लग गया है और अब इसके बाद फाइनल पेंट ही होएगा, और फाइनल पेंट क्या होता है ये कोई पता नहीं है। और ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से भी हमारा जो बेस है वो भी रेडी हो चुका है, तो अभी यहाँ पे डिक्की पे करना है क्योंकि यहाँ पे थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह थे, तो यहाँ पे पट्टी लगाई है। अब इसको भी फटाफट सैंडिंग करके करते हैं। तो यहाँ पे बेस कोट के बाद क्या है जी, जो छोटे छोटे अभी यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह दिख रहे थे तो उनको भी एक बार फिलिंग कर लिया। गुल्लू इधर देख यार, ये क्या है, ये देख यहाँ पे, ये भी है विशाल, तो सही कर, जिन्हें भी आना तू लगा लेना यार, की दिक्कत है थी लगा इसी सारा। तो एक बार इसको मैं फाइनल खुद चेक करूँगा, और सैंडिंग साथ साथ में हो रही है और उसके बाद सीधा पेंट ही होगा, और अब पेंट क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, कन्फ्यूज़न है, सिर्फ कन्फ्यूज़न। तो एक चीज़ ये भी है कि आज तक इसके जितने भी जो कमेंट्स आए हैं कलर को लेके, स्टार्टिंग से लेकर अगर आज तक देखा जाए तो सिर्फ ब्लैक के ज़्यादा आए हैं, और ब्लैक हम करना नहीं चाहते, बट ग्रीन का क्या इशू है वो मैंने बता दिया आपको कि आर्मी कलर है, सिक्योरिटी रीज़न को लेके कल को कुछ पंगा हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट आपको पता है वैसे ही मतलब काफ़ी डिस्टर्ब स्टेट है, तो वो पंगा नहीं ले सकते। बाकी येलो का है कि येलो का अच्छा लग रहा है, येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, बट येलो के लिए कमेंट्स जो हैं वो कम आए हुए हैं, तो वाइट जो है वाइट मेरे ख्याल से वाइट नहीं अच्छी लगेगी फिर, मतलब वो एक ऑफ रोड व्हीकल टाइप नहीं लगेगी वाइट, तो इसलिए वाइट का भी कुछ कच्चा पक्का है बट समझ नहीं आ रहा है। बट वाइट कलर जो हमने बेसिकली आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो फाइनल हमने किया है वो वाइट कलर इसका किया है, तो वाइट कलर हमारा आ भी चुका है, बट अभी समझ नहीं आ रही कि वाइट करें कि नहीं करें, अभी तक सिर्फ कन्फ्यूज़न है। गुल्लू कौन सा कलर करना है, क्या कहते हो, येलो अच्छा है, येलो अच्छा है, ठीक है। विशाल आप क्या कहते हो, येलो सही है। हाँ जी, जोर से बोलना, जोर से, येलो ही सही है, येलो ही सही है। तो वैसे वोट जो वर्कशॉप के सारे वोट येलो को जा रहे हैं, और मेरा भी जो मतलब दिल कर रहा है वो येलो के लिए कर रहा है। मुन्ना जी आपका क्या कहना है, जी क्या कह रहे हो, येलो रंग, येलो रंग जी, अच्छा लग रहा था जी सर, चलो फिर येलो ही करते हैं अगर आप बोल रहे हो तो। तो अभी देखते हैं इसका क्या बनेगा, मुझे नहीं पता, वो अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है इसका। फिलहाल लड़के भी येलो कह रहे हैं, मेरे को भी येलो ही पसंद है, ग्रीन आप लोगों को पसंद है और ग्रीन हम कर नहीं सकते, वो रीजंस मैंने आपको बता दिए। और जो वाइट है वाइट अच्छा नहीं लगता है, बाकी मैं आपको बता दूं कि पेंट आ गया, विशाल एक मिनट बताना वाइट पेंट जो आया इसका, खोलना इसको, तो आपको बता देते हैं कि वाइट जो है वो पेंट मंगवा भी लिया था हमने, और वाइट पेंट हमारा आ चुका है, तो आपको मैं वो भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट कलर जो हमारा डायमंड वाइट है, जो स्कॉर्पियो का शेड है अपना, तो वो हमारा आ चुका है, बट अभी देखते हैं क्या बनता है। तो गाइस जो पेंट वाला काम तो अभी हो गया ख़त्म, और जो इसकी क्लाइडिंग वगैरह है, साइड मिरर हैंडल है, वो मॉर्निंग में करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया अभी, और इस साइड से भी आप देख सकते हैं, तो फिलहाल तो अभी काफ़ी प्यारी लग रही है, और आप भी कमेंट कर दीजिएगा, फिर भी शायद मेरे ख्याल से येलो ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। तो अभी इसको यहीं करते हैं ख़त्म, और कल मॉर्निंग में मिलते हैं। ओके बाय बाय।